सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। रेकी हीलिंग के आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि हम रचना और कल्पना शक्ति को किस तरह से रेकी हीलिंग में और अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। और यह तो ऐसी प्रक्रिया है जो रेकी हीलिंग नहीं भी करते हैं वो भी इसका बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए देखें किस तरह। हम सबको सोचने की असीमित शक्ति दी गई है और कल्पना की भी। जब हम कल्पना की बात करते हैं या क्रिएटिव विजुअलाइजेशन की बात करते हैं, रचनात्मक कल्पनात्मक प्रक्रिया की, तो हम चीजों को कल्पना करते हैं। जैसे सिंपल सी आपको कल्पना बताते हैं, जैसे राजयोग के ध्यान में किया जाता है कि आप ब्रह्मांड की ऊर्जा, एक चमकदार ऊर्जा अपने ऊपर आते हुए देखें, अपने पूरे शरीर में समाते हुए आप इमेजिन करते रहें। आप आंख बंद करके ऐसा करें, आपको शायद वो दिखेगी नहीं, आपको बस कल्पना करनी है कि इस तरह से वो ऊर्जा आपके ऊपर आ रही है और आते हुए आपके पूरे शरीर में समा रही है, साथ ही में आपके आत्मा से, जैसे कि बिल्कुल सेंटर पे एक चमकदार सितारे जैसी आत्मा है और यहां से पूरे विश्व में प्रसारित हो रही है और सब जगह इसी तरह से अलग अलग आत्माएं हैं जहां से इस तरह की ऊर्जा प्रसारित हो रही है और बहुत ही अच्छी एनर्जी आपस में एक्सचेंज हो रही है। अब ऐसी कल्पना करने से होता क्या है? सबसे पहले समझते हैं कि हमारे शरीर में क्या होता है जब हम किसी चीज की कल्पना करते हैं। यह रिसर्च भी करी जा चुकी है कि जब भी आप किसी चीज की कल्पना करते हैं तो आपकी बॉडी मसल्स, माइंड में रिएक्शंस बिल्कुल उसी तरह से काम करते हैं जैसे आप एक्चुअली कर रहे होते हैं। ओलंपिक एथलीट्स के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट हो चुका है जिसमें उनको बोला गया कि आप बिल्कुल वो सोचिए कि आप इस तरह से अपनी एथलेटिक मूव्स कर रहे हैं और केवल बैठे बैठे और अलग अलग इंस्ट्रूमेंटेशन लगा के, जैसे कि जो ईईजी होता है, इलेक्ट्रोएन्सिलियोग्राफ, जिससे आप ब्रेन की वेव्स को नापते हैं, तो उससे पता चलता है कि जब भी आप किसी चीज को सोचते हैं तो आपका माइंड बिल्कुल उसी तरह से बिहेव करता है जैसे आप एक्चुअली कर रहे हो। हमने सबकॉन्शियस कंडीशनिंग में भी ये बात करी थी कि सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन मन सोचे हुए और असलियत में फर्क नहीं करता है, तो हमारी थिंकिंग में, हमारी इमेजिनेशन में इतनी ज्यादा पार होती है। ध्यान के स्वरूप से देखें तो जब हम सोचने लगते हैं, इमेजिन करने लगते हैं, एक तो होता है विचार कि हम कॉन्शियसली सोच रहे हैं कि हम ऐसा करें वैसा करें, दूसरा आप कोई नई चीज की कल्पना करते हैं। जो कल्पना करते हैं इसमें आपका मन शांत भाव की तरफ जाता है, आपकी ऊर्जा का प्रवाह अच्छा हो जाता है। तो ध्यान में भी अगर आपको कल्पना करने को बोला जाए तो आपका ध्यान ज्यादा अच्छा लगता है। इसीलिए रेकी हीलिंग में भी जब आप कल्पना का, आप रचना का इस्तेमाल करेंगे तो शांत भाव की वजह से, ध्यान पूर्वक स्थिति आने की वजह से ऊर्जा का प्रवाह बहुत अच्छा हो जाता है। यह प्रक्रिया कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। जो रेकी हीलिंग नहीं भी करते, केवल ध्यान करते हैं, वह कल्पना का, रचना का जितना ज्यादा हो सकते हैं उतना ज्यादा इस्तेमाल करें तो वह गहरे ध्यान की स्थिति में चले जाते हैं। अब आपको एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कुछ तो हमने बताया कि ऐसे सोचा जाता है कि आप सोचो कि आप कहीं बीच पर बैठे हो, बड़े आराम से बैठे हो, या पहाड़ी के बगल में बैठे हो और आप देख रहे हो कि कितने सुंदर दृश्य है, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, तो आपकी भावनाएं बदलने लगती हैं। दूसरा तरीका इमेजिनेशन का बोला जाता है, जो हम बोलते हैं मंत्र को अजपा रूप में करने का, यानी कि आप मंत्र को मन में सोचते हुए आप बार बार बोलते रहते हैं। जैसे आप अगर ओम ही लेंगे, जैसे अगर आप ओम केवल मन में सोच रहे हैं, आंख बंद करके आप सोच रहे हैं, तो असल में सोचने की प्रक्रिया कुछ ऐसे होती है कि आप जब मन में सोच रहे होते हैं तो आप उसे इमेजिन करते हैं कि उसकी आवाज कैसी आएगी, उसकी वाइब्रेशन कैसी होगी, तो हमारा माइंड उसी तरह से रिएक्ट करने लगता है। तो जब आप मंत्रों को मन में सोचते भी हैं तो वह एक तरह की आपके लिए इमेजिनेशन हो जाती है और आपका ध्यान और अच्छा लगने लगता है और उस मंत्र की जो एक्चुअल वाइब्रेशन है, जो आप जोर से बोल के करते, वो बिना बोले हुए भी केवल सोचने से आपके बॉडी को और आपको हर जगह अच्छी एनर्जी मिलती है।
तो ये आपको केवल एक्सप्लेन करने के लिए था कि आपकी जो रचनात्मक कल्पनात्मक शक्ति है उससे आपको किस तरह से फायदा होता है, क्योंकि नहीं तो कई बार लगता है कि सोचने से क्या होगा, इमेजिनेशन से क्या होगा। तो आपका जो माइंड है वो कुछ इस तरह से बना है कि जब आप इमेजिन करते हैं आपको बहुत अच्छी ऊर्जा मिलती है। सबसे अच्छा तो यही है कि सब अपने आप को हील करें, सबके अंदर वो शक्ति है। तो जब आप ऐसी रचनाओं का कल्पनाओं का इस्तेमाल करते हैं तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी हीलिंग कर पाते हैं। अगर किसी के हाथ में दर्द है, वो केवल इतना सोचे कि यहां पर एक लाल रोशनी जैसी है और जब मैं हाथ ऐसे करता हूं और उसको नीचे करता हूं तो ये जितने लाल रंग की रोशनी है जो दर्द की वजह से खराब ऊर्जा है वो हटती जा रही है और अब यहाँ पे केवल नीले रंग की ऊर्जा बच रही है और अब मैं इसमें लाके हरे रंग की ऊर्जा डाल रहा हूं या डाल रही हूं और इससे यहां पर कंटिन्यूअस हीलिंग होती रहेगी और मेरा दर्द ठीक हो रहा है। केवल इस तरह की प्रक्रिया करने से ही बहुत अच्छी एनर्जी मिलती है। जब हम बोलते हैं कि आप सोचिए कि आप बिल्कुल हील्ड स्टेट में आ गए या आप बिल्कुल ठीक हो गए, आप अगर किसी का पेट खराब था तो आप खूब खाना खा रहे हैं, मजे कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं। अगर कोई बीमार था, फीवर में था, सोचिए कि मैं दोस्तों के साथ घूम रहा हूं या फुटबॉल खेल रहा हूं या फिर मैं कहीं वॉक पे अपनी दोस्त के साथ निकली हुई हूं या कोई भी प्रक्रिया कर रहे हैं, तो जब आप इस तरह की इमेजिनेशन करते हैं गोल मैनिफेस्टेशन के लिए तो आपके माइंड में बॉडी में ऑटोमेटिकली वो चेंजेस आने लगते हैं। एक तो आप ध्यान की स्थिति में भी जाते हैं, आपका एनर्जी फ्लो अच्छा होता है और आप वो एनर्जी भी अट्रैक्ट करते हैं। तो आप यह समझें कि रचना और कल्पना बहुत ही अच्छी तरह से आपको ध्यान पूर्वक स्थिति में ले जाने के लिए, स्थिति को अच्छा करने के लिए, फिजिकल बॉडी में चेंजेस करने के लिए और अच्छी एनर्जी अट्रैक्ट करने के लिए हर तरह से काम आती है। तो इस प्रक्रिया का जरूर इस्तेमाल करें। अंग्रेजी में इसको क्रिएटिव विजुअलाइजेशन बोलते हैं और आप हिंदी में इसका रूपांतर करेंगे तो इसको बोला जाएगा रचनात्मक कल्पनात्मक प्रक्रिया। इसको यूज करते हुए आप बहुत अच्छी हीलिंग करें, हर एक को सिखाएं, खासकर बच्चों को सिखाएं। जब बच्चे इस तरह की चीजों में आते हैं तो वो बहुत ही अच्छी तरह से कर पाते हैं। आइंस्टाइन ने तो बोला था कि बच्चों को केवल फेरी टेल सुनाई जाए, उनको ये बात पता थी कि हमारा माइंड किस तरह से काम करता है और वे चाहते थे कि मानव जाति का विकास भी इसी प्रक्रिया से बहुत अच्छा हो सके। जब आप इस तरह की प्रक्रिया करते हैं तो नई नई चीजों का निर्माण भी कर सकते हैं बहुत अच्छी तरह से, आपका इंट्यूशन भी अच्छा होने लगता है। तो धीरे धीरे जब आप गहरे ध्यान की अवस्था में क्रिएटिव विजुअलाइजेशन यूज करते हैं वो कुछ इस तरह से हो जाता है जैसे कि हिप्नोसिस का तरीका होता है या फिर गहरे ध्यान में कोई आपको आभास होना जिससे आप पता कर पाए कि अच्छा क्या है, चीजों को इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, अच्छी एनर्जी कैसे दे सकते हैं। तो यह प्रक्रिया आप जरूर अपनाएं और इसके बारे में और पढ़ें, जानें और इसको बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल करें। अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं कि क्रिएटिव विजुअलाइजेशन से आपको किस तरह से हेल्प मिली है या आप इसको और अच्छी तरह से कैसे यूज कर सकते हैं तो जरूर आप कमेंट्स पे सबके साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जो रिकी हीलिंग